हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। 22 फरवरी 2024 को जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 का हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं, 22 फरवरी 2024 को जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं, आज के इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न MCQ अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न, जो 22 फरवरी 2024 को 100% पूछे ही जाएंगे। इन्हीं प्रश्नों में से एक ना एक प्रश्न आएगा मेरे प्यारे बच्चों, देख लेना आप सभी लोग। जब आप 22 फरवरी 2024 को पेपर देने जाओगे हिंदी विषय का, तो आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इन सभी प्रश्नों को नोट कर लेना, लिख लेना, और इन प्रश्नों के अतिरिक्त तो जो भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 यानी 22 फरवरी 2024 के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनको भी बताता चलूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, कितने 20 प्रश्न आएंगे, और जिनका उत्तर आपको OMR शीट में भरना होगा। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा, यानी कुल 20 नंबर मिलेंगे यदि आप OMR शीट में इन 20 प्रश्नों का सही उत्तर और OMR शीट को सही तरीके से भर देते हैं, तो आपको पूरे पूरे मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर मिल जाएंगे। राइटिंग चाहे जैसी हो, चाहे आपकी राइटिंग अच्छी हो या खराब हो, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न, इन प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, पहला है प्रश्न। और आप देख रहे हैं प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है, 20 अंक का पूर्णांक है जो बहुविकल्पी प्रश्न है इनका। पहला विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों भारतेंदु युग, दूसरा विकल्प है द्विवेदी युग, तीसरा विकल्प है शुक्ल युग, चौथा है विकल्प शुक्लोत्तर युग। तो आप लोग ध्यान देंगे, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा, द्विवेदी युग के लेखक हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी मित्रों में शेयर कर देना। दूसरा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, और मेरे प्यारे बच्चों एक प्रश्न और आता है, ठलुआ क्लब, आप लोग ध्यान देंगे, ठलुआ क्लब यह जो रचना है, इस रचना के लेखक कौन है, बाबू गुलाब राय जी हैं। आप लोग ध्यान देंगे, ठलुआ क्लब किसकी रचना है, बाबू गुलाब राय जी की रचना है। प्रश्न संख्या दो है मेरे प्यारे बच्चों, चिंतामणि किस विधा की रचना है, क्या यह निबंध विधा की रचना है, या कविता विधा की, या नाटक विधा की, या कहानी विधा की। तो चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, चिंतामणि निबंध विधा पर आधारित रचना है। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर जरूर लिख लेना। चिंतामणि किस विधा की रचना है, निबंध विधा पर आधारित रचना है। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, यदि प्रश्न में पूछ लिया जाता है चिंतामणि, आप लोग ध्यान देंगे, चिंतामणि के लेखक कौन है, तो उत्तर क्या होगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो यह निबंध विधा पर आधारित रचना है। प्रश्न संख्या तीन है, आप लोग ध्यान देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, गबन किसकी रचना है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प मुंशी प्रेमचंद, दूसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद, तीसरा विकल्प है निराला अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा विकल्प है हरिकृष्ण प्रेमी। तो गबन किसकी रचना है, मैं आपको बताना चाहूंगा, गोदान, गबन, सेवा सदन, गोदान, गबन, सेवा सदन और निर्मला। आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन सभी को लिख लीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण बिंदु या महत्वपूर्ण रचनाएं, निर्मला, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, निर्मला होगा इस तरह से, निर्मला और रंगभूमि और कर्मभूमि, रंगभूमि और कर्मभूमि, ये सभी रचनाएं किसकी हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी रचनाएं हैं
मुंशी प्रेमचंद जी की, किसकी रचनाएं हैं? मुंशी प्रेमचंद जी की ये सभी रचनाएं हैं। कौन कौन सी? गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सभी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी रचनाएं किस विधा पर आधारित रचनाएं हैं? मान लीजिए प्रश्न पूछ लेता है गोदान किस विधा पर आधारित रचना है, उत्तर होगा उपन्यास विधा पर। गबन किस विधा पर आधारित रचना है? उपन्यास विधा पर। सेवा सदन किस विधा पर आधारित रचना है? उपन्यास विधा पर। निर्मला, रंगभूमि और कर्मभूमि, ये सभी रचनाएं किस विधा पर आधारित हैं? उपन्यास विधा पर आधारित हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। और यह किस विधा पर आधारित रचना है? तो उत्तर होगा उपन्यास विधा पर। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 है यहाँ पर, शुक्ल युग की समयावधि क्या है? आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प 1936 से 1943 तक, दूसरा विकल्प 1919 से 1938 तक, तीसरा 1920 से 1918 तक, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शुक्ल युग की समयावधि यानी समय सीमा क्या है? सन 1919 से 1938 तक की समय सीमा थी शुक्ल युग की। यानी शुक्ल युग कब से कब तक माना जाता है? सन 1919 ईस्वी से सन 1938 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों 5 है यहाँ पर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला है विकल्प जीवनी, दूसरा विकल्प है आत्मकथा, तीसरा है विकल्प साक्षात्कार अर्थात भेंटवार्ता, चौथा विकल्प है रेखा चित्र। नील का निर्माण फिर किस विधा पर आधारित रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यह आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। यदि प्रश्न पूछ लिया जाता नील का निर्माण फिर किसके द्वारा लिखी गई रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? नील का निर्माण फिर के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है नील का निर्माण फिर, जो कि है आत्मकथा विधा पर आधारित। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। कह रहा है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों द्विवेदी युग, दूसरा विकल्प है भारतेंदु युग, तीसरा विकल्प है प्रगतिवादी युग, चौथा है विकल्प छायावादी युग। तो आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न पूछा गया था कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? यह रचना है द्विवेदी युग की। और यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है प्रिय प्रवास के लेखक कौन हैं, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं प्रिय प्रवास रचना के लेखक। प्रिय प्रवास रचना के लेखक कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 7 है मेरे प्यारे बच्चों, मधुशाला किसकी रचना है? विकल्प इस प्रकार से हैं इस प्रश्न के, पहला है विकल्प रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा विकल्प है हरिओध अर्थात अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी, तीसरा है विकल्प हरिवंश राय बच्चन, चौथा विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत। तो मैं आपको इस प्रश्न के साथ साथ और भी महत्वपूर्ण जानकारी देता चलूंगा। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और जो 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं, आप लोग ध्यान देंगे, मैं आपकी धुआंधार तैयारी कराऊंगा बोर्ड परीक्षा की, हिंदी विषय की, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान विषय की। बस आप अपनी नोट्स भी बनाते रहिए और धुआंधार तैयारी भी करते रहिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रिय प्रवास हरिओध जी की रचना है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर मधुशाला किसकी रचना है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मधुशाला मधुबाला और मेरे प्यारे बच्चों मधुकलश
मधु कलश। आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग ये महत्वपूर्ण जो बिंदु आपको बता रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट चीजें आप लोग अपनी नोट्स पर लिखते जाइएगा, क्योंकि क्या पता प्रश्न कहाँ से पूछ लिया जाए। जैसे यहाँ पर पूछा गया है मधुशाला किसकी रचना है, उत्तर क्या है, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। और इस बार मेरे प्यारे बच्चों पूछ लिया जाए कि मधुबाला किसकी रचना है, तो उत्तर क्या होगा, हरिवंश राय बच्चन ही तो होगा। ये तीनों रचनाएं किसकी हैं, हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। कौन कौन सी, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, हरिवंश राय जी की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत भारती किसकी रचना है, भारत भारती के लेखक कौन है, क्या सियाराम शरण गुप्त जी हैं, या मैथिली शरण गुप्त जी, या जयशंकर प्रसाद, या महादेवी वर्मा। तो भारत भारती किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। और मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। मेरे प्यारे बच्चों यदि प्रश्न आता है कि राष्ट्र कवि की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया, या दिए गए विकल्पों में से राष्ट्र कवि कौन है, तो उत्तर क्या होगा आपके प्रश्न का, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, किसी न किसी युग की कालावधि यानी समय सीमा का प्रश्न एक जरूर आएगा, किसी न किसी युग की कालावधि या समय सीमा से संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 9 है, आधुनिक काल कब से कब तक है। पहला है विकल्प सन 1843 से अब तक, दूसरा विकल्प है 1643 से 1843 तक, सन 1918 से 1936 तक, सन 1936 से 1943 तक। तो आधुनिक काल कब से कब तक है, या आधुनिक काल की समय सीमा कितनी है, मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर होगा सन 1843 से अब तक का समय आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतिराम किस युग के कवि हैं। तो मतिराम क्या आधुनिक काल के कवि हैं, या आदिकाल के कवि हैं, या भक्ति काल के कवि हैं, या फिर रीति काल के कवि हैं। तो मतिराम जो हैं ये रीति काल के कवि हैं। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 11 है, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन सभी प्रश्नों को जरूर रट लेना, 100% की गारंटी है कि 22 फरवरी को जब आप पेपर देने जाओगे हिंदी विषय का, आपको यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। प्रश्न संख्या 11 है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, शोक है करुण रस का स्थायी भाव, रति है श्रृंगार रस का स्थायी भाव, और निर्वेद है किस रस का स्थायी भाव, शांत रस का स्थायी भाव, हास है किस रस का स्थायी भाव, हास रस का स्थायी भाव। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ही था वीडियो के स्टार्ट में कि एक प्रश्न से मैं आपको कई प्रश्न क्लियर करा दूंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हास हो जाएगा। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। प्रश्न संख्या 12 है, सोहत वोढ़े पीत पट श्याम सलोनी गात। यहां पर होगा मेरे प्यारे बच्चों सोहत ओढ़े पीतु, यहां पर क्या होगा पीतु, और क्या होगा यहां पर पटु। श्याम सलोनी गात मनो नीलमणि, यहां पर मनो होगा नीलमणि, शैल पर आतप पर्यो, यहां पर प्रभात होगा। आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर क्या होगा, प्रभात होगा, प्रकाश नहीं होगा, आतप पर्यो प्रभात, इस तरह से भी कई जगह कई पुस्तकों में मैंने लिखा हुआ देखा है। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोनी गात मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया है प्रश्न कि उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो मैंने आपको बताया था कि मनु मानो, जनु जानो, मनु मानो जनु जानो, आप लोग ध्यान देंगे मनु मानो जनु जानो, और यहां पर होगा ये मनहु और जनहु।
मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु आदि जो हैं ये किस अलंकार के वाचक शब्द हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। तो जिस भी उदाहरण में मनु या मानो, जनु या जानो, मनहु या जनहु लिखा हो, कोई एक शब्द लिखा हो इनमें से, वहां पर आप जो है बिल्कुल समझ जाइएगा कि उदाहरण में कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब यहाँ पर लिखा क्या है, मानो लिखा है, मानो लिखा है जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है। तो जिस भी उदाहरण में इनमें से कोई भी शब्द लिखा होगा तो पूछेगा कि उदाहरण में कौन सा रस है, तो पूछेगा कि उदाहरण में कौन सा अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, यानी वहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न संख्या 13 है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? क्या 3 चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं या फिर 5? तो रोला छंद में कितने चरण होते हैं? रोला छंद में मेरे प्यारे बच्चों 4 चरण होते हैं। कितने? रोला छंद में 4 चरण होते हैं। रोला छंद के यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। एक प्रश्न ऐसा भी आता है बोर्ड परीक्षा में कि रोला छंद के, आप लोग ध्यान दीजिएगा, रोला छंद के प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो उत्तर होगा 24। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। और रोला छंद में कितने चरण होते हैं? 4। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या यहां पर है 14। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर विकल्प जो दिए गए हैं इनमें से सही विकल्प क्या है, क्या दी है, मान, अक या बड़ा आ या जिसे दीर्घ आ कहा जाता है। तो आकर्षण शब्द में, यदि कर्षण शब्द में आप लोग ध्यान देंगे कर्षण शब्द है और उपसर्ग जोड़ दिया जाए, क्या उपसर्ग सबसे पहले, तो मैं आपको बता दूं किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है और उसका अर्थ यानी मूल शब्द का अर्थ बदल देता है। तो कर्षण का अर्थ दूसरा है और यहाँ पर जब आ उपसर्ग जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, आकर्षण हो गया। अब इसका अर्थ जो है बदल गया है, मूल शब्द का अर्थ बदल गया है, उपसर्ग है यहाँ पर दीर्घ आ यानी बड़ा आ, यहाँ पर उत्तर होगा दीर्घ आ। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 15 है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? पहला है विकल्प 2, दूसरा विकल्प है 5, तीसरा विकल्प है 6, चौथा विकल्प है 3। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, पीतांबर में कौन सा समास है? पहला है विकल्प कर्मधारय, दूसरा विकल्प है द्वंद्व, तीसरा विकल्प है बहुव्रीही, चौथा विकल्प है तत्पुरुष। तो पीतांबर में कौन सा समास है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पीतांबर में समास है बहुव्रीही। कौन सा समास है? बहुव्रीही समास है। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, आंसू का तत्सम रूप क्या है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प इस प्रकार से अश्रु, दूसरा विकल्प है अंशु, तीसरा विकल्प है रोना, चौथा विकल्प है आंख। तो आंसू का तत्सम रूप क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अश्रु। प्रश्न संख्या 18 है, कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो पहला है विकल्प कर्ता की प्रधानता, दूसरा विकल्प है कर्म की प्रधानता, तीसरा विकल्प है भाव की प्रधानता, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों,
तभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति कौन सी है? यहाँ पर पहला है विकल्प षष्ठी विभक्ति एक वचन, दूसरा विकल्प सप्तमी विभक्ति द्विवचन, तीसरा षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चौथा विकल्प चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, तभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति कौन सी है? उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का मेरे प्यारे बच्चों चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसी तरह के या इसी पैटर्न पर आधारित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो बहुविकल्पी होंगे। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। पहला विकल्प है मनुष्य, दूसरा विकल्प है बचपन, तीसरा विकल्प है वह, चौथा है विकल्प इनमें से कोई नहीं। दिए गए विकल्पों में से कौन है जो कि सर्वनाम है? इसका उत्तर हो जाएगा वह क्या है? सर्वनाम है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, और इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।